बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर बहन भाइयों ने अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरा अली ब्लॉग से कर लियो ताकि हर वीडियो बल वक्त मिल सके। नमाज अदा करने वास्ते आए हैं जोर दी और अंदर गेट बंद हो गया वह क्योंकि जगह नहीं है बैठने वास्ते। सारिया बाजियां बाहर बैठी, अगे थोड़ा अगे भी बैठ जाएगा तो हम सारिया पिछे अगे ना सफाई हो रही है। हाँ, सफा वगैरह दी ना सफाई कर दे भाई, इतने बाहर बैठे हैं। नमाज अदा करने वाली जगह वा कि रश बहुत ज़्यादा होंगे वा मस्जिद के औरतों की जगह सारी भरी गई और गेट बाजी ने ना बंद करता वा। सारिया बाजिया इतने बैठ रही वा। नमाज अदा करांगे उस बाद जेड़े भी सीन हुए अपने भैन भाइयों के नाल शेयर करांगे। क्यूट बच्चा माशाला माशाला, अल्लाह सबनों देवे सब के पिछे सानू। बारे जा रहे हैं नमाज अदा करन और पीवांगे कवा पी के फिर जाने हैं। टाइम अभी काफ़ी है। ग्रीन टी पीने मैं और अली दूसरी साइड से गए थे अबू जी ने इतने बिठा के गेट नंबर पॉइंट है और शामी मैं जाना रियाजुल जाना अंदर तो उस गेट था नहीं जाना वा तो फिर मैं इतने आ जावा उतो नहीं आना ना इतना। चलो मैं घूम घुमा के आ जाऊँ पांच नंबर गेट। हाँ गिनती मेरी टाइट है। हाँ जाना 37 नंबर गेट से तो आना फिर मैं दोबारा इतने बैठे होंगे अबू जी और अली फिर इतने आ जाऊंगी। अबू जी अंदर तो नहीं बैठ गए अगे बैठ गए अबू जी। अली अबू जी उधर देखन गए हैं, मैं सारा आ जगह खोल दिती है, वह भी जगह खोल दिती है। अबू जी और उत्थे बैठे सी ते असी इधर लभ लभ के अली हुण उधर गए जिधर नमाज अदा कर दे। लभ गए अबू जी आ जाओ आ लभ गए अबू जी मैं क्या आ जाओ यस भाई अबू जी और उत्थे बैठे सी क्या कहते सी उत्थे ठंड सी इत्थे। हां चलिए उधर फिर आ जाओ नमाज अदा करने वाली जगह चलिए। मुड़ के नहीं अबू जी कल छना मैं सही निशानी से बैठी हूं है साढ़े तो त्राह निकल गए ना अस तो परेशान हो गए ना मैं जा जाती हूँ अबू को ना कोई होटल का कार्ड ना कोई पासपोर्ट ना का दूसरा पर हल मैनू नहीं पता लगता इधर किन्ने तक गेट निकल दे होटल के किदन जाना इधरों की आ जाओ जल्दी इतों शॉर्टकट। शुक्र अलहमदुल्ला अबू जी मिल गया मैंने दुआ की अल्लाह सुने अबू जी किधर गए अली फिर इधर सैड से जिधर नमाज अदा कर दी ना औरतें फिर मैं क्या तुम भी उधर ही करया करो फिर मैं टेंशन नहीं होंगी मैं फिर जानी तो औरतों वाली सैड से है देखो मौजी जिंदगी काके देखो माशाल्लाह खेलो खेलो मेरे बेटे खेलो शाबाश हिम्मत लाओ आई थे हम सफा शाम धुप टाइम चुक लेंगे भाई तो हूँ जो ना शाम का टाइम होंगे जाना तो हम भाई जो ना सफा बिछा रहे सारिया क्योंकि मगर परिशा टाइम बहुत ज़्यादा रश हो जाता बहुत ज़्यादा रश हो जाता इस टाइम देखो हूँ सारिया साफ करके छां से बिछा दी छां आ गई इस टाइम। हाँ जुत्तियाँ रखने वाली जगह बनी होंगी है लेकिन इतों जुत्तियाँ अगे पिछे हो जाएंगे वा इस करके फिर कोई किसी की पा जाता कोई किसी की पा जाता वा तो इस करके नाल लै जाते जिन्होंने पता वा। अबू जी इस तरह की चप्पल पाते लेकिन भाई प्यार ने ना होने नहीं दी हूँ सारा पैग अबू जी का पक्या वा। गेट नंबर 7 की निशानी अबू जी और अली चले गए मस्जिद नबी शरीफ के अंदर नमाज अदा कर टाइम ना आ गया। देखो जूते कोई भाई रख रही है कोई अपने झोलिया च पा लेंगे उत्थे रखिए तो फिर ना अगे पिछे हो जाते हैं इतने भी उदा भाई नमाज अदा करते हैं ऐसे कद भी अदा करते हैं नमाज के टाइम तक जरा ना काफ़ी रश हो जाता वा तो देखो अभी इतने भी भाई नमाज वास्ते बैठे हैं उस तो अगे
बाजियां बैठिया वा इधर भी और इधर भी, क्योंकि बाहर बीबिया इनिया बैठिया वा, मस्जिद के अंदर जगह ही नहीं होनी क्योंकि गेट बंद हो जाता जो औरत गेट तिकर आ जाए ना अगे, फिर अगे जगह नहीं मिलती हैगी। अगे जोर दी नमाज टाइम भी मैं गई सी लेकिन जगह नहीं सी मिली, गेट बंद हो गया सी। इतने भी देखो तली तो मली वजन दी हर टाइम रौनक ही रौनक, उधर भी बीबिया बैठिया वा। शुक्र अलहमदुल्ला, शुक्र अलहमदुल्ला जगह मिल गई है, लेकिन मैं अगे नहीं गई मस्जिद क्योंकि गेट बंद हो जाता वा और फिर उत्थे पीछे साफ भी नहीं मिलती, इस करके हूँ मैं इतने बैठ गई हाँ और शुक्र है थोड़ी जी जगह भी मिल गई है शुक्र अलहमदुल्ला, और इतने नमाज अदा करांगे। अच्छा जी, मगरब की नमाज अदा कर ली है और इशा की नमाज अदा करनी है, मतलब जेड़े गेट थानी मैं जाना ना उत्थे, क्योंकि टाइम कम होंदा वा, सानू गेट का पता नहीं है कि औरतें केड़े गेट थानी जा रही वा, एक बार देख लीए तो मैं उत्थे नमाज अदा करूँगी। एक बार अली अबू जी बिन दिखा दे उत्थे मैं नमाज अदा करूँगी, उत्थे कई भैन अदा कर दी होंगे फिर उत्थे नमाज अदा करूँगी, क्योंकि फिर इधरों जरा ना गेट नंबर मैं 13-14 के सामने होंगी हाँ, अबू जी हुनी 7 दे विच नमाज पढ़ते हैं, 5 तो आते काफ़ी टाइम लग गया, तो इधर मैं लगता काफ़ी कि गेट आ उत्थे जाना पैंदा, तो काफ़ी सफ़र आते रास्ते विचों मुश्किल हुंदा वा, तो इस करके भैन कह रही सी कि नमाज मेरा उत्थे अदा करी, इतने काफ़ी भैन कल टकरियां सी कह रही सी जेड़ा फिर नहीं तो काफ़ी लंबी लाइन लगी होंगी, तो एंड वाली लाइन च बंदा जाता वा तो उन्ना उन्ना फिर रात नेरा हुंदा जांदा वा, तो इस करके फिर मैं नमाज उत्थे अदा करूँगी। गुम्मद जेड़े मीना पिलर उन्होंने लाइटा चल रही माशाल्लाह माशाल्लाह। अली कह रहे कि हले टाइम है, मैं और अबू जी जेड़ा ना चले अंदर दरूद पढ़ के आने और दुआ मंग के आने, मैं कि चले चले जाओ रोज़े पाक के अंदर, तो मैं जेड़ा ना इतने बैठी हूँ, लेकिन मैनू फिर ऐ देखो जा रही ना जिन्हें जिन्हें भैन के टाइम आ या भाइयों के फिर जा रहे, और हले मगरब की अजान हुई है, मेरी इशा की अजान नमाज तो बाद फौरी मेरा नंबर आ, तो मैं कहनी मैंने लंबी लाइन च ना लगना पवे, इस करके जरा ना मैं टाइम ना उत्थे नमाज अदा कर लूँगी ना, तो फिर बंदा सौखा रहिंदा वो, तो लंबी लाइन च पिछे नहीं जाना पैंदा। छोटा कप कल ही फिर दिया वा, पता नहीं कहो बच्चा वा, एक भैन मिलन आई है उन्होंने बेटा है उन्होंने बेटी माशाल्लाह अदन की जीटी बेटी है, सलाम करो सलाम करो। दूसरी हैंड के साथ लो, दूसरी है उस हैंड के साथ, ठीक हो? नाम क्या है, नाम क्या है मिठू का? आ जाओ उधर बैठते हैं। है जी सारी एक भैन सारी सब्सक्राइबर उन्होंने बच्चे सू मिलना है, उठो उठो बेटा, असी बाजी और बाजी के बच्चे उधर ही नमाज अदा करांगे, फिर बाजी मैं दस जाने वाला रास्ता, क्योंकि बाजी होनी सऊदिया ही रहते हैं और बाजी उन्होंने पता अली भाई जेड़े आए और अबू जी उधर नमाज अदा करेंगे, तो बाहर केटू भाई वाले पुलिस वाले निकाल लिया इतों बाहर हो गए। गुड़िया कह रही कि आंटी के नाल मैं भी रियाजुल जन्ना जाना वा, लेकिन गुड़िया को परमिट नहीं है, मिठू तुम जाना सी तो ले लेना सी परमिट, फिर मेरे नाल चले जाना सी, नाल जाना वा जाने ना, चलो चलते हैं गुड़िया कह रही नाल जाना मैं, इधर इधर मम्मा उधर मम्मा उधर। इशा दी आसान हो गई है और मिठू थक गया वा जी, इशा दी नमाज अदा कर ली है, इधर नहीं अदा करनी दे जगह ती जाके करके नमाज अदा, और हुण जा रहे हैं 32 नंबर गेट तो आप ही साथ आ जाओ 30। अच्छा जी 32 नंबर तो नहीं 37 नंबर तो जान देंगे 35 गेट आ जाना। अच्छा जी
ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਕੇ 37 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਣੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਸ਼ ਦੇਖੋ। ਬਾਜੀ ਕੋ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ 37 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਜੁੱਤੀ ਛਾਪਰ ਮਿਲਿਆ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਾਈਨ ਤੋੜਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਨਫਲ ਅਦਾ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ, ਨਫਲ ਅਦਾ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨਫਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ, ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਜੀ ਬੱਚੇ ਹਾਲੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਦੇਖਾਂ ਕਿਹੜਾ, 38। ਬੰਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਉੱਧਰਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
थोड़ी मैं वीडियो बना सकी, थोड़ी नहीं बना सकी क्योंकि मैं नफल अदा करने से दुआ मंगनी सी और इतना कि टाइम होंदा वा, फिर नहीं तो बाजिया ना निकाल दंदियां वा। तैंतीस नंबर गेट तो रियाजुल जन्ना अंदर जाइदा वा और इकतालीस नंबर तो बंदा निकलता वा और हुण मैं पाँच नंबर गेट ते जाना वा जिथे अली और अबू जी आ, तो उन्हें नाल लैके फिर होटल जावांगे। नमाज अदा कर ली सी, उन्हें लैके होटल जाने हैं। अल्लाह खैर करे, ठंडी ठंडी आवाज़ चल रही है माशाल्लाह मज़े दी। गेट नंबर पाँच ते हो गई हाँ मैं, अबू जी हुणी देखदी हुणी उत्थे अगे बैठे हुए कि जनाबे वाले मैनू 20 मिनट हो गए या 15 इतने खलोती नूं। हुण मैं दूसरी बाजी जिहड़ी नाल आई सी उन्हां दे नंबर ते कॉल कीती और पुछिया वा बाजी तुसीं कित्थे आ, ते इत्थे कोई ना अली ना अबू जी ना दूसरे भाई ना बाजी और पता नहीं कित्थे गए होए आ, वी असीं आंदे वी मैं उधरों खड़ी हो के इन्नी दूर बंदा जांदा काफ़ी दूर आ इत्थों पैदल जाना, वी तुसीं इत्थे खड़े रहो, पता नहीं कित्थे गए। थोड़ी जी मैं वीडियो बना सकी, ज़्यादा नहीं मैं अपने भैन भाइयों रियाजुल जन्ना के अंदरों वीडियो बना सकी क्योंकि रश इतना ज़्यादा सी और नफल अदा करके फिर बाजियां कहंदियां भी टाइम पूरा हो गया, चलो चलो चलो, बाजियां फिर कहंदियां वा नाली पता नहीं कितने, मैं इंतजार कर करके खड़ी हो के अगे लत्त च गिल्ट बन गए। हुण तुसीं मैं थोड़ा डेली इंतजार करती, तुसीं जाओ तो मैं एक दिन गई हूँ तो मेरा इंतजार ही नहीं किया, पता नहीं कितने चले गए। ਐ ਵੀ ਕਾਕੇ ਦੀ ਮੌਜ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਅਲੀ ਵੀ ਐ ਵੀ ਕਦੇ ਹੀ ਰਿਆਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਾਮੀਨ ਸਮਾਮੀਨ। ਅਲੀ ਆ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा 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 अच्छा, ये तुम मैं दस के तो जाओ, पता भी मेरा टेंशन ला लेंदी है, मैं कदी इतने आई हाँ इंतजार कर करके। अबू जी भी नाल ते बाजी आ गए, बाजी कोई पता नहीं, बाजी नूं नहीं सी अंदर जान दिता ना, बच्ची कह रही सी आंटी मैनू नाल लै जाओ, बच्ची भी नहीं जान दिता, कहिंदे नौ बच्चा जिन्हां दे है उन्हें नाल बच्ची, उन्होंने भी नहीं बच्चियां जान दिंदे, वह कहिंदे नाल जिहड़ा आदमी उन्हां को छोड़ो, बच्चे नहीं जान दिंदे होर पंज सैड ते। हाँ जी अच्छा जी, इशा की नमाज अदा करके रियाजुल जन्ना गई सी माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं अगे भी एक बार गई सी ते दो दफा मैं हुई हाँ, लेकिन उस दिन सुबह सुबह का टाइम से शायद होटल वास्ते खुलिया सीगा ते उस तो बाद फिर वो गेट बंद सीगा क्योंकि बंदा पहली बार जाए तो बंदे नहीं पता होंदा। दूसरी साइड तो मैं गई सी उत्थे, लेकिन मैनू नहीं सी इस चीज़ का पता, मैं क्या शायद वो होर जगह वा, तो इस करके ज़्यादात हो गई आ। थोड़ी जी मैं वीडियो बना सकी सी अपने भैन ना शेयर की है, थोड़ी जी ज़्यादात करवाई सी लेकिन ज़्यादा नहीं बना सकी, रश बहुत ज़्यादा सी और फिर मैं नफल भी अदा करने से और फिर बंदे नू दूसरियां नू भी टाइम देना चाहिए ना कि बंदा दूसरियां भैन भी टाइम दे, दूसरियां भी भैन नफल अदा कर सकन और दुआ मंग सकन। तो फिर उस तो बाद एक भैन नाल सी कि उहदे कोल परमिट नहीं सी है, उहदे बच्चे वीडियो दे विच है, बेटी और बेटा माशाल्लाह, और अहमद और ईमान माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे सी और बहुत अच्छे भाई और भैन सन मिले आए सी, इतने नाल ही रहिंदे आ हरम दे नाल बिल्कुल उन्हां दा घर आ, ते उन्होंने सारी वीडियो देखदे आ शुरू तो, इस करके फिर बाजी उन्हां नाल मिले आ माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग्या वा और बहुत अच्छे सीगे और खाना शाना भी बाजी उन्होंने खिलाया वा, लेकिन असी काफ़ी मना किया कि अली तुसीं रहण दे, लेकिन मैं तो अंदर जात वास्ते चली गई सीगी, ते फिर भाई ले आए खाना खाधा वा, तो कुछ हले नाल दिता वा पिया वाले, बिल्कुल भुख नहीं है क्योंकि असं शामी खाना ना थोड़ा लेट खाधा सीगा, नमाज अदा करके जोर दी नमाज अदा करके आंदियां काफ़ी फिर टाइम लग जाता लिफ्ट थानी, लिफ्टा भी जरा ना सतवीं मंजिल से आना होंगे, रश बहुत ज़्यादा होंगे, नमाज पढ़ के सारे अपने अपने होटलों आ जाते, बिल्कुल होटल नज़दीक
मस्जिद नबी शरीफ से। तो मेरी भैन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो बच्चिया ने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मिलकर। और बच्चे बहुत प्यारे से अल्लाह पाक ने नसीब बच्चे करे। ब्लॉग का एंड कर दिया हूँ, आराम करिए। आंदे आंदे काफ़ी देर बैठे रहे हैं, इजाजत की, उस तो बाद फिर खाना खाधा वा, फिर बैठे रहे हैं, गपशप कर दे रहे हैं। और 11:30 के 12 का टाइम हो गया वा। अल्लाह हाफिज़। अबू जी के पैर से थोड़ा जहा तेल लगाया वा, अली का गला मलिया वा, अली का गला सारा ना पकड़िया हुआ वा, विक्स लगाई है, तेल लगाया वा, विक्स लगाई है। और एक खुशी की खबर कि अली की जुत्ती चोरी हो गई है। मैं इन्होंने जाना कैसे बैग लैके जाओ, नहीं कुछ नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे। मस्जिद नबी शरीफ से पैदल चल के इतने आए हैं, तो उन्होंने पैर धोते, इन्होंने मेरे तो पैरों तेल लगाया वा, कह रहे मेरा सख्त सख्त हो गया, छाले तो नहीं बन गया। मैं कहीं छाले नहीं बने, तो इन्होंने चप्पल जरा ना चोरी हो गई है। तो हम शुक्र है दो चप्पल पई गया वा, अबू जी को दो सीगियाँ दो चप्पल। तो मैं कहा हम अबू जी के पैर से ना काफ़ी बड़ा ना छाला बनिया बच्चे रेशा पी गया। मैं कहा भी अबू जी और नरम जी पिछे वाह वाह कर लेंगे, दूसरी बदल सख्त हूँ तुम वो पा के वजू वगैरह करो। और जान लगी अपनी बंद जुती बेच रखी सी, तो है सही रहे ना पैर तुम वो पा लियो। अल्लाह हाफिज। मैं कह रही थी समान ज्यादा हो जाए, चलो जान लगे साड़ी कोई जुत्ती चुक लो एक एक, ओदा तरह की दो चुकी गई।